गुड इवनिंग, आप लोग कैसे गए हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की सब्ज़ी यानी लौकी। कई लोगों के यहाँ इसको घिया भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, दिल्ली में तो इसको घिया ही कहते हैं। ये देखिए, हमने उसके लिए मिर्च वो सॉरी जीरा रख लिया है निकाल के, मिर्च एक दो कट के रख लिया है, 5-6 किलो लहसुन रख लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो घिया है यानी लौकी बन के तैयार हो जाएगी तो ये बहुत कम हो जाएगी। अभी तो थोड़ा ज़्यादा लग रही है, आपको अपने तीखा कम ज़्यादा जैसे खाते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाद हमने तेल रख दिया है, गरम हो रहा है। अब इसमें हम जीरा, ये देखिए हमने लहसुन मिर्च भी ऐड कर दिया है। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो हम लहसुन और मिर्च दोनों ऐड कर दिए हैं। ये हमारा पक रहा है, ये देखिए कुछ गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें लौकी ऐड करेंगे यानी घिया। ये देखिए लहसुन हमारा अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए लहसुन मिर्च हमारा पक गया था, गोल्डन ब्राउन हो गया था, तब हम इसमें अपने घिया यानी लौकी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे यानी कि। इसको आपको अच्छी तरह थोड़ी देर तक तेज आंच पे भूनना है। यानी हाई फ्लेम पे भूनना है। अब देखिए हमने इसको ढक दिया है अच्छी तरह से चला के। अभी हम इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम करेंगे क्योंकि इसमें पानी निकलता है। ये देखिए हमने इसको एक दो मिनट बाद फिर चेक कर दिया है, दोबारा से ही चला देंगे। आपको हाई फ्लेम रखना है तो इसको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा एक दो मिनट बाद, नहीं आपकी सारी लौकी यानी जल जाएगी। देखिए इसमें पानी कितना सा निकल रहा है। तेल आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। ये देखिए इसमें पानी निकलना बंद हो गया है, हम इसको अब लो फ्लेम कर देंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पे चलाएंगे, फिर भी बीच बीच में इसको हमको चलाते रहना है। ये देखिए अब इसमें हम इतना सा नमक ऐड कर दें, नमक आपको बहुत हल्का रखना है, नहीं तो आपकी लौकी ये पक के एकदम कम सी हो जाएगी, नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो आप अगर नमक कम रखेंगे तो सही रहेगा। फिर भी आप अपने हिसाब से नमक रख सकते हो। अभी ये पक रहे, देखिए हमने इसको दोबारा से चला दिया है, हमको इसको बीच में कई बार चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, जले ना, आपको इसको देखना है। हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा हाई फ्लेम कर दिया है, पूरा नहीं, हमने बड़े वाले चूल्हे पे बना रहे हैं हम, जिसको एकदम लो फ्लेम किए थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा हाई फ्लेम किया है, पूरा नहीं किया है, लेकिन हम बीच बीच में इसको चला रहे हैं। भिंडी हो तोरी हो, आप लोग को इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये जल बहुत जल्दी जाती है, आपको इसको बीच बीच में कई बार चलाना रहता है। आपको देखिए बीच बीच में ऐसे इसको मिक्स कर देना है, ऐसे कलछुल दबा दबा कर खूब अच्छी तरह से इसमें कलछुल मार देना। अभी हमारी ये लौकी अच्छी तरह से पक के तैयार नहीं हुई है, अभी इसको हम ढक देंगे और पकाएंगे।
देखिए हमारी लौकी की सब्जी का कलर कुछ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आपको लौकी ऐसे ही पकाना है गोल्डन ब्राउन होने। क्या होता है इसमें, इसका खाने का अलग ही टेस्ट होता है। जो हरी हरी सी लौकी पकती है वो अच्छी नहीं लगती है। आप लोग देख लीजिए, मेरी लौकी यानी घिया बनके रेडी है सब्जी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आई होप आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो। जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार इसको ट्राई करिएगा ज़रूर। ये देखिए हमारी लौकी की सब्जी बनके रेडी है। आप इसको रोटी किसी भी के साथ खा सकते हैं। आपको पूरी पराठा जो भी पसंद है आप उसके साथ ये रेसिपी खा सकते हैं। आप लोग को बहुत पसंद आएगी। करारी करारी सी रोटी बनाइए, उसके बाद लौकी यानी घिया की सब्जी खाइए। ये देखिए हमारी लौकी की सब्जी बनके रेडी है। आप इसको रोटी किसी भी के साथ खा सकते हैं। आपको पूरी पराठा जो भी पसंद है आप उसके साथ ये रेसिपी खा सकते हैं। आप लोग को बहुत पसंद आएगी। करारी करारी सी रोटी बनाइए, उसके बाद लौकी यानी घिया की सब्जी खाइए।